जय हिंद। अगर आप एक्सेल में इंटरव्यू देते हैं या फिर काम करते हैं तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बस इतना ही आप कर लीजिएगा तो आपका एक्सेल में बहुत सारा वर्क आप कर सकते हैं, बड़े से बड़ा डेटा बना सकते हैं, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। अब ये कौन कॉमन क्वेश्चन है जो आपको प्रॉपर वाइज करना सही रहेगा? देखिए, एक्सेल में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको फिल्टर के बारे में समझना होगा कि फिल्टर होता क्या है, ठीक है? क्योंकि ये आप जब डेटा के अंदर में जाओगे ना तो डेटा के अंदर में एक ऑप्शन आता है फिल्टर का, फिल्टर के बारे में समझ लीजिएगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये कलर करता है, ठीक है? कंडीशन पे जो कलर करता है उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये भी एक टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? पैवट टेबल, पैवट चार्ट के बारे में समझ लीजिएगा, जो एनी टाइम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते रहता है कि पैवट टेबल क्या होता है, पैवट चार्ट क्या होता है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल चार्ट और पैवट चार्ट में क्या होता है, पैवट चार्ट क्या होता है, ठीक है? तो एक नॉर्मल चार्ट और एक पैवट चार्ट में डिफरेंट क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। या फिर आप कुछ कुछ फार्मूला के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इफ़ के बारे में हो गया, नेस्टेड इफ़ के बारे में। नेस्टेड इफ़ उसको बोला जाता है जो एक से ज़्यादा इफ का इस्तेमाल कर सकता है। काउंट इफ, सम इफ के बारे में हो गया, वी लुकअप, एच लुकअप या सम प्रोडक्ट के बारे में। ये सारा क्वेश्चन है आपका, फार्मूला है जो आपको बस इतना आप प्रॉपर वाइज अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत बड़ा से बड़ा डेटा आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है? डेटा वैलिडेशन के बारे में आपको समझना होगा, जो आपका रिस्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है? डैशबोर्ड के बारे में समझना होगा और MIS रिपोर्ट के बारे में समझना होगा। तो ये ऐसा 9 कॉमन क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आप ये वर्क कर सकते हैं आराम से। इससे पहले भी मैं MIS रिपोर्ट के बारे में हमें बतलाया, उसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और प्रॉपर वाइज में बतलाया हूँ आपका एक्सेल का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें तो खाली क्वेश्चन है आपको, उसमें मैं आंसर के साथ में बतलाया हूँ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।